हे एवरीवन, दिस इज कार्तिकेय, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं गाइज, आपका मैथ का एग्जाम 17 को होने वाला है। तो हमारे क्या हमारे कोचिंग में मतलब मेरे तरफ से स्टार्ट किया गया है महाअभ्यास क्लास। इस क्लास का क्या नाम रख रहे हैं हम लोग, महाअभ्यास। मतलब हर चैप्टर, जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कई बच्चों का रिप्लाई आता है सर प्रोबेबिलिटी को पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इस प्रोबेबिलिटी इन वन शॉर्ट वीडियो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम चैप्टर पूरा कवर करेंगे, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, आपके एक भी मार्क्स गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, बेज थ्योरम। तो गाइस बेज थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। बेज थ्योरम क्या होता है, पूरा रिवर्स होता है, ठीक है। जैसे कि आप जैसे बोलेगा कि अगर दो बैग है, ठीक है, दो बैग है, अगर उसमें से मान लीजिए आप दोनों बैग में से किसी में हाथ रख देते हो, उसमें से बॉल निकालना है, रेड बॉल जैसे निकाल लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, निकालने के बाद की प्रोबेबिलिटी पूछता है। तो रिवर्स पूरा होता है, ठीक है। तो गाइस देखते हैं अब इससे को हम क्या बेज थ्योरम को क्वेश्चन से समझते हैं। दो तीन क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, उसके बाद और सब जो जितने थ्योरम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखेंगे। तो गाइस एक क्वेश्चन है जो आपको नीचे यहाँ पे शो हो रहा होगा डिस्प्ले पे। क्वेश्चन है कि बैग फर्स्ट कंटेंस, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, कि बैग फर्स्ट कंटेंस 3 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। मतलब क्या क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बैग है, फर्स्ट बैग है, उसमें क्या है, 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है, ठीक है भाई। सेकेंड बैग क्या कर रहा है, सेकेंड बैग में क्या है, 5 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है, ठीक है। एक बॉल को क्या कर रहा है, एट्रेंडम निकाल रहा है। अब जैसे बेज थ्योरम में प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसमें एक बॉल को रैंडम निकालना है बैग में से और उसमें रेड पाया जाता है और निकाल रहा है जो बॉल, ठीक है। तो इसमें निकालना है कि क्या, जो वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड, मतलब रेड बॉल जो निकाल रहा है वो क्या बैग सेकंड से निकाल रहा है। तो गाइस अगर प्रोबेबिलिटी में देखिए बेज थ्योरम में यही तो होता है, ठीक है। क्या निकालना है, रेड बॉल निकालना है। तो रेड बॉल को क्या मान लेते हैं, रेड बॉल को मान लेते हैं E2 है। तो PE2 बाई ए क्या है, बैग है। E2 क्या है, बैग है, ठीक है। अब मान लिए हम लोग, ठीक है, ए क्या है कि इवेंट ऑफ ड्राइंग अ बॉल, ठीक है। E2 क्या है कि मतलब सेकंड बैग से हम लोग निकालना है। तो इसमें क्या होता है, PE2 बाई ए में क्या देखेंगे गाइस, अगर क्या बोला है, रेड बॉल बोला है, ठीक है, रेड बैग बोला है आपको। तो सबसे पहले बोला है क्या, सेकंड बैग से आपको निकालना है। तो मान लीजिए दो बैग है, दो बैग, एक बैग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। तो जैसे मान लेते हैं, जैसे PE2 बाई ए हो गया ना, ये फॉर्मूला ऐसे लिख देंगे, एक में फॉर्मूला मैं लिख के दिखा रहा हूँ, अगली बार से मैं फॉर्मूला नहीं लिखूँगा, क्योंकि आप लोग होशियार लड़के हो, ठीक है, होशियार लड़के हो, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा, एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम हमेशा क्या करेंगे, यूज करेंगे, टाइम बचत, टाइम का सेव करेंगे, कम टाइम में ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है, PE2 बाई ए निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो क्या PE2 सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी क्या है, बॉल तो निकलेगा पहले आप बैग तक पहुंचे, दो बैग रखा है, अगर एक बैग तक पहुंचेंगे PE2, ठीक है, और PA/2 रेड बॉल निकालनी है, ड्राइंग अ बॉल, फिर अपॉन ए टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, PE1 PA/1 प्लस PE2 PA/2, ठीक है। तब देखते हैं PE2, अगर किस दो बैग है, एक बैग को निकालना है, PE2 क्या हो जाएगा, 1/2, समझते रहेगा। PA/2 रेड बॉल निकालना है क्या, सेकंड बैग से, रेड बॉल सेकंड बैग से कैसे निकालेंगे, और यहाँ कुछ और कुछ कहा है क्या, और कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो इससे क्या, रेड बॉल निकालना है सेकंड बैग से, क्या हो जाएगा, 5/11 अपॉन क्या हो जाएगा, PE1 फर्स्ट बैग 1/2, रेड बॉल निकालना है किससे, फर्स्ट बैग से 3/7 प्लस 1/2 PA/2 क्या है, 5/11, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही हर क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है बेज थ्योरम में। बेज थ्योरम ये कहेगा दो बैग है, एक बैग से ये ट्रांसफर कर दिए, बताइए इस बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। ऐसे ही चलना है आपको। तो इसमें देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर कितना बन के आएगा, 35/68, ठीक है। आंसर कुछ भी आए आपको, बस क्या ये आपको लग गया ना कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। पहले क्या करना है, PE2 PA/2 अपॉन टोटल, ठीक है, समझ गया। पहले बैग की प्रोबेबिलिटी, बैग दो है तो 1/2 हो जाएगा, और फिर रेड बॉल सेकंड बैग से निकालना है 5/11, फर्स्ट बैग से निकालना है 3/7 5/11, ऐसे सॉल्व करेंगे 35/68 क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, बेज थ्योरम आप समझ गए ना कैसे लगाते हैं इसमें। अब बेज थ्योरम का क्या सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी में से कोई क्वेश्चन आएगा आपका। तो गाइस ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं, क्या है भाई सेकंड क्वेश्चन,
इसी में से क्वेश्चन आना है। बेस थ्योरम आप समझ चुके हैं, एक क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। आप साथ में कॉपी पेन लीजिए, सॉल्व करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन को एक क्वेश्चन है जैसे शो कर रहा होगा आपको, मैं इसमें देख रहा हूँ। अब मैनी नोन टू स्पीक टू थ्री आउट ऑफ फोर टाइम्स, मतलब अगर किसी भी अगर एक आदमी है उसके ट्रूथ बोलने की सही बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक आदमी है उसको सही बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4, ठीक है। और क्या कह रहा है, ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6, ठीक है, मतलब 6 आएगा। तो मान लेते हो पी क्या है, S1, ठीक है, 6 आ जाएगा, 6 ऑकर्स, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, ठीक है। और क्या मतलब 6 ना आए, PH2, 6 डज नॉट ऑकर्स, 5/6 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, मतलब 6 आने की एक्चुअली प्रॉपर्टी पूछ रहा है, 6 कैसे आएगा उसका प्रॉबिलिटी, फाइंड द प्रॉबिलिटी निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लोगे होंगे आप, तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है गाइज। तो आपको क्या निकालना है कि 6 आना चाहिए, वो अभी ट्रू बोल रहा है, ठीक है। तो क्या S1, क्योंकि S1 में पूछ रहा है, बोला है हम लोग S1 1/6 बोला हुआ है क्या, कि मतलब इट रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, PS1/E, तो यहाँ पे आप लिख ही लगते हैं कि लिख दूँ, देखो लिख देता हूँ गाइस, PS1 हो गया। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, PE/S1 अपॉन टोटल PE/S1 प्लस PE/S2, ठीक है गाइस। अब इतना हो गया, अब वैल्यू पुट करना है बस, ठीक है। तो PS1 क्या है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, डाइस फेंकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी एक ही बार आएगा, तो 1/6, PS1 1/6, PE/S1, ठीक है, कि मतलब एक्चुअली मतलब ट्रूथ बोल रहा है, ट्रूथ कितने बार बोलता है, 3/4, ठीक है। ये क्या है, PE/S1, ठीक है, 3/4 अपॉन क्या, PS1 1/6 इंटू 3/4 हो गया ना। PH2 क्या है, अगर PS1 1 PH2 क्या है, 5/6, 6 न आने की प्रोबेबिलिटी, PE/S2 मतलब झूठ बोल रहा है 6, तो अगर सही बोल रहा है 3/4, तो ट्रूथ कितना बोलेगा, 1/4। अब इसको गाइस सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका, 3/8। मैं समझ रहा हूँ क्वेश्चन कैसे हो रहा है, क्वेश्चन देखिए उसको सोचिए कैसे होगा, ठीक है, सब बेस थ्योरम पे डिपेंड है, ठीक है, आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। अब गाइस देखते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरम पे और भी आपके NCERT में क्वेश्चंस दिए होंगे, लेकिन हमको लगता है कि ये दो क्वेश्चन ज़्यादा टच करने वाला है, ठीक है। मिसलेनियस में देख लीजिए, कोई बेज का क्वेश्चन दिया हो तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है गाइस, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, डरना नहीं है क्वेश्चन से, ऐसे ही करना है। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, अब बात कर लेते हैं गाइस, आप सुने ही होंगे सक्सेस वाला एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, सक्सेस वाला क्वेश्चन आता है, इसे पी और क्यू टर्म होता है, ठीक है। तो गाइस इसको भी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे गाइस, बहुत ही मेहनत के कारण, मेहनत के साथ हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मतलब एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आएगा तो इसी के आसपास घूमेगा क्वेश्चन, इसी में जो कंसेप्ट लग रहा है उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा पेपर में, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट मिलेगा जैसे वैसे मुझे मोटिवेशन होगा, मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँगा, ठीक है गाइस। तो अब ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन सक्सेस और लॉस से ले लेते हैं, पी का पी इक्वल टू क्या सक्सेस है, क्यू इक्वल टू विदाउट सक्सेस, ठीक है। अब गाइस एक क्वेश्चन है आपका, एग्जांपल 35 होगा एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का क्या होगा, एग्जांपल 35 होगा, क्वेश्चन शो कर रहा है, पढ़िए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ शूटर हिटिंग अ टारगेट इज 3/4, ठीक है, शूटर क्या कर रहा है, हिटिंग अ टारगेट इज 3/4, तो मतलब पी मान लेते हैं सक्सेस क्या है, कि हिट द टारगेट, हिट द टारगेट इक्वल टू क्या है, 3/4 है, ठीक है। अब क्यों समझ ही सकते हो क्या हो सकता है यार गाइज, कि ना हिट ना करें, टारगेट मिस हो जाए, तो 1-3/4 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो गया, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही आर सी फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस इज मोर देन 0.99, मतलब क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हीटिंग, ठीक है, एटलीस्ट वंस ग्रेटर देन क्या 0.99, इतना समझ रहे होगा गाइस, क्वेश्चन को इजी वे में समझना है, ठीक है, घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन बड़ा कितना ही बड़ा आ जाए, आपको बस कंसेप्ट में जो बता रहा हूँ उसको दिमाग में रखना है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एटलीस्ट वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या एटलीस्ट वंस कह रहा है, एक्स क्या ग्रेटर आर इक्वल टू वन, ग्रेटर आर इक्वल टू 0.9, ठीक है गाइज। अब पी एक्स आर ग्रेटर आर इक्वल टू वन, अब ऐसे तो जैसे दो तीन चार कितना भी टाइम इन्फिनिटी तक तो हिट का टारगेट हो सकता है, तो इसको क्या अपोजिट में सोचना है क्या हो सकता है। पी एक्स आर ग्रेटर आर इक्वल टू वन क्या वन माइनस, मतलब क्या है बस जीरो नहीं है टर्म इसमें, तो वन माइनस पी एक्स इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन 0.99, समझ रहे हैं। अब देखिए पी पी एक्स इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन, इसको इधर भेज देंगे, पी एक्स इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा, ठीक है इधर जाएगा 0.01 ये हो जाएगा, ठीक है। अब पी एक्स इक्वल टू जीरो गाइज, अब जैसे मैं जो बताया हूँ इस पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पी और क्यू यहाँ पे, तो फार्मूला क्या होता है एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ये फार्मूला लर्न करिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये फार्मूला दिमाग में आपके घूमना चाहिए कि सर महाअभ्यास क्लास में एक फार्मूला बताए थे एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ठीक है। तो अब ए पी एक्स इक्वल टू जीरो वैल्यू पुट करते रहिए, ठीक है। तो गाइस पुट करते हैं, हमको एन की वैल्यू ही निकालनी है, एन की वैल्यू हमको क्या करनी है निकालनी है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन सी जीरो पी क्या है वन, पी क्या है थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर की पावर जीरो और क्यू क्या है वन बाई फोर, तो वन बाई फोर की पावर वन माइनस जीरो, ठीक है वन लेस देन 0.0, ठीक है जी क्वेश्चन दिख रहा है आपको। अब देखिए एन सी जीरो क्या हो जाएगा, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा वन बाई फोर, तो वन बाई फोर ही होगा, थ्री बाई फोर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन बाई फोर की पावर एन लेस देन वन बाई हंड्रेड, देखिएगा जहाँ पे एन सी जीरो थ्री की पावर थ्री बाई फोर की पावर क्या होता है एक्स होता है, वन बाई फोर की पावर क्या है वन बाई फोर की पावर एन माइनस एक्स होता है, तो यहाँ पे एन माइनस जीरो करेंगे तो एन आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब एन सी जीरो क्या होता है वन होता है किसी भी फाइव सी जीरो सिक्स सी जीरो कुछ भी करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन बाई फोर की पावर एन लेस देन क्या वन बाई हंड्रेड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए क्वेश्चन को, क्या आ जाएगा फोर की पावर एन क्या होना चाहिए हंड्रेड से ग्रेटर होना चाहिए, एन की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या रखेंगे, एन की वैल्यू वन रखो फोर, टू रखोगे सिक्सटीन, थ्री रखोगे सिक्सटी फोर, फोर रखोगे क्या हो जाएगा हंड्रेड क्रॉस कर जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए मिनिमम फोर। देख लो गाइस आंसर, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पी हिट द टारगेट थ्री बाई फोर, हिट नहीं करेगा वन बाई फोर, हिटिंग एटलीस्ट वंस दिया हुआ है आपका 0.99, ठीक है, मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू वन दिया हुआ है, तो वन माइनस पी एक्स इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0.99, पी एक्स इक्वल टू जीरो लेस देन 0.01। अब मैं जब बताया जब सक्सेस जो आप फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, तो उस पर वैल्यू पुट करेंगे आपकी मिनिमम वैल्यू एन इक्वल टू फोर निकल के आएगी, तो ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं, उसके बाद आपको ए वी थ्योरी आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं वो आपका क्या है एग्जाम्पल 31, मतलब वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं समझाएंगे तो हम यहाँ पे, ठीक है। तो क्या ऐसे ही देखते रहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नीचे सो रहा होगा देखिए पढ़िए क्वेश्चन मैं ही पढ़ता हूँ। इफ अ फेयर कॉइन इज टच्ड 10 टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड्स, मतलब हेड क्या आना है 6 बार एग्जैक्टली आना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कॉइन को कितनी बार टॉस किया जा रहा है 10 बार 10 टाइम्स, और लाना क्या है आपको 6 एग्जैक्टली हेड्स। और भी इसके पार्ट हैं जैसे क्वेश्चंस है कि एटलीस्ट 6 हेड एटमोस्ट 6 हेड, तो एक मैं बता दे रहा हूँ उसके बाद आप देख लीजिएगा। तो जैसे 6 एग्जैक्टली हेड्स आपको लाने हैं, ठीक है गाइस। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, 6 एग्जैक्टली हेड लाने हैं, तो अब भाई अब क्वाइन है तो हेड या टेल होगा, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। तो पी क्या हो जाएगा पी भी 1/2 होगा, क्यू भी 1/2 होगा, P और Q क्या हो गया 1/2, ठीक है गाइज। तो अब देखेंगे P भी 1/2 हो गया, Q भी क्या हो गया 1/2, अगर P मालूम चल गया तो 1 में से माइनस करेंगे Q माइनस चल जाएगा, Q पता चल जाएगा। तो अब गाइज निकालते हैं P, ठीक है। अब क्या X इक्वल टू क्या बोल रहा है 6 बोल रहा है, मतलब 6 एग्जैक्टली हेड्स हैं,
तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, आपको क्या फॉर्मूला बता दूँ, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, मतलब टेन टेन सी सिक्स वन बाई टू की पावर सिक्स वन बाई टू की पावर टेन माइनस सिक्स मतलब फोर। भाई जिसको सॉल्व करिए, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या आंसर आपको निकल आ जाएगा, 105/512। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन क्या है कि एटलीस्ट सिक्स हेड्स, एटलीस्ट सिक्स हेड मतलब क्या कि पी एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू सिक्स, पी एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू सिक्स हो गया तो क्या मतलब आप लीजिए पी एक्स इक्वल टू सिक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू सेवन प्लस पी एक्स इक्वल टू एट प्लस पी एक्स इक्वल टू नाइन प्लस पी एक्स इक्वल टू टेन, ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन पूछ दिया एटमोस्ट सिक्स हेड्स पी एक्स लेस देन आर इक्वल टू सिक्स, तो इतना वन में से माइनस कर दीजिए, लेकिन फिर इसमें क्या ध्यान रखिएगा ये कॉमन हो रहा है, इसको फिर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, कैसे सक्सेस और पी और क्यू के टर्म को यूज करना है, आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। एन एन सी एक्स सी पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स आप दिमाग में बैठा लीजिए फॉर्मूला। ठीक है, तो गाइस जब ये भी थ्योरी आपको समझ में आ गया, बेस थ्योरम मैंने कवर कर दिया, सक्सेस लॉस का टर्म कवर कर दिया, अब हम देखेंगे वेरिएंस के क्वेश्चंस, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन देखिए जो नीचे आपको क्या शो हो रहा होगा कि क्या उसमें क्या लिख रखा है, मतलब प्रोबेबिलिटी जीरो के लिए क्या है, वो के टर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे वन के लिए क्या है, टू के लिए क्या है, थ्री के लिए क्या है, फोर्थ टर्म के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है, ये सब प्रोबेबिलिटी है, ये एक्स है। ठीक है, सैम्पल स्पेस है 0, 1, 2, 3, 4। तो गाइस समझ रहे होंगे क्वेश्चन का एग्जांपल 26 है, देख सकते हैं उसमें, लेकिन हम सॉल्यूशन इसको इजी वे में कैसे समझाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन आ सकता है भाई, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, 3-4 बार क्वेश्चन है, रिपीट करा हुआ है पिछले 10 सालों में। तो गाइस देखते हैं इसमें पूछा है के की वैल्यू क्या होगी, तो गाइस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर के की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो क्या होता है, पहले आप ये बताइए मेरे को कि टोटल अगर प्रोबेबिलिटी कोई भी है तो पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ये तो सब लोग जानते हैं गाइस। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन सिंपल सा पूछ सकता है, तो क्या सब ऐड कर दो, 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इक्वल टू 1, अब सब ऐड कर लो क्या हो जाएगा, 6k इक्वल टू 0.9, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.15। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है गाइज की प्रोबेबिलिटी बताइए जब एग्जैक्टली 2 की पूछ रहा है, जब एग्जैक्टली 2 की क्वेश्चन पूछ रहा है गाइज, एग्जैक्टली 2 को प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 2k लिख दो यार यहाँ पे, और 2 × 0.15 k की वैल्यू है तो पुट कर लो ना, पुट करने में क्या प्रॉब्लम है, 0.30 आपकी आंसर आ गया। सो गाइस देख लेते हैं एक क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन आपको नीचे डिस्प्ले हो रहा है कि अनबायस्ड कोई डाई है उसका क्या थ्रो कर रहे हैं उसका, तो उसका क्या वेरिएंस क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है गाइस, तो जैसे डाइस को थ्रो करोगे यार तो सैंपल स्पेस तुम्हारा क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गया तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 की 2 की 3 की फाउंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा कैसे पता चलेगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6 सबका होगा। ठीक है, अब आप पूछ रहे होगे गाइस आपके दिमाग में मन में सवाल आ रहा होगा, एक सरमानी की ने एक क्वेश्चन पूछना है कि वेरियंस इक्वल टू क्या, ex2 - ex2, ये फॉर्मूला लर्न करें एकदम। ठीक है, महाभ्यास क्लास में फॉर्मूला लर्न करना है, वेरियंस इक्वल टू क्या, ex2 - ex2। ठीक है, तो अब ex इक्वल टू क्या, ex क्या होता है, सिग्मा एक्स आई पी एक्स आई। ठीक है, तो जैसे ex निकालेंगे क्या, 1 × 1/6 प्लस 2 × 1/6 प्लस 3 × 1/6 प्लस 4 × 1/6 प्लस .. प्लस 6 × 1/6। ठीक है, ऐसे निकाल दिए, ex क्या आ गया 21/6। पढ़ेंगे लेकिन आराम से पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, हम लोग को हमारे ही बैच से किसी को टॉप करना है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है गाइस, इसमें आपको पूरा क्या 80 मार्क्स का होता है ना, 75 एबव लाना है, प्रोबेबिलिटी पहले मैं कवर कर रहा हूँ, और भी जो भी चैप्टर आपको हार्ड लगे वो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, जो भी चैप्टर डिफिकल्ट होगा मैं उस चैप्टर पे वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो गाइस देखिए अच्छे से इसको जो जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ अच्छे से लर्न करके जाना है। अब ex निकल गया ना यहाँ पे, ex स्क्वायर क्या, ex² σx² प्लस px i, तो ex² इक्वल टू क्या, 1² × 1/6 प्लस 2² × 1/6 प्लस 3² × 1/6 प्लस .. प्लस 6² × 1/6 गाइज। तो अब 91/6 ये आ गया, तो अब जब वेरियंस का फॉर्मूला गाइज अब मुझे बताना पड़ेगा वेरियंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेरियंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ex² - ex² गाइज। तो 91/6 - 21/6 का होल स्क्वायर करोगे तो आंसर तुम्हारा 35/12 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज महाअभ्यास क्लास में आपने क्या सीखा, सबसे पहले सीखेंगे आपकी क्या कि आप जो निकाल रहे हो यहाँ पे फॉर्मूला, बेस थ्योरम का पहले फॉर्मूला बता रहे हो, ठीक है, उसके बाद वेरियंस बता रहे हो, उसके बाद अगर बेस थ्योरम में जो भी मैं 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ उसको सही से देख के जाना, उसी में से कोई क्वेश्चंस बन के आएगा आपका। वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो उससे, और जो मैं सक्सेस वाला फॉर्मूला बताऊँ क्या, एन सी एक्स पी की पावर एक्स
क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ये क्या होता है, यही मेन फॉर्मूला होता है जब सक्सेस और लॉस का प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन देखते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन उसको देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे किसी प्रोबेबिलिटी में के की वैल्यू निकालने के लिए आ जाता है, वो क्वेश्चन देखेंगे हमें पता चलेगा के क्या है इसमें। ठीक है, आपको ये पता ही चल गया वो ई एक्स और ई एक्स स्क्वायर क्या है इसमें। तो गाइज जैसा कि आपने देखा प्रोबेबिलिटी का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो में कवर हो गया, प्रोबेबिलिटी इन वन शॉट। तो गाइज इस महाअभ्यास क्लास में, इस महाअभ्यास क्लास में जो भी मैंने बताया है, बेज थ्योरम को जो मैंने एक्सप्लेन करा है आपके सामने, सक्सेस लॉस का जो डिफिनेशन होता है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, और मैंने क्या बताया आप लोग को, जो वेरियंस और स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्मूला बताया था, ई एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, वो अब ई एक्स आप समझ रहे होंगे एक्स आई इंटू पी एक्स आई होता है, और जो मैंने ये क्वेश्चन बताया वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या रिलेशन होता है, ये सब मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा मतलब कलेक्शन करके एक वीडियो में कर दिया। ठीक है गाइज, सो गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करिएगा कि मैं व्हाट्सअप ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ हूँ, उसमें आप अब क्लास 12th और जेई नेट प्रिपरेशन के बच्चे उस ग्रुप में है, व्हाट्सअप ग्रुप में, तो आप भी उस ग्रुप में ज्वाइन हो सके, इन्विटेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंटीग्रेशन के मिल जाएंगे वीडियोज, और एमसीक्यू क्वेश्चन जो आते हैं वन मार्क्स के, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसके सॉफ्टवेयर चेक करेंगे। और भी देखिए तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है बॉस। ठीक है, अगर आपको जो भी जिस भी चैप्टर में डिफिकल्टी है, ठीक है, उस चैप्टर को क्या कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि आपके दोस्त को भी नंबर आए। अब प्रोबेबिलिटी में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स टोटल आएगा प्रोबेबिलिटी से, आपको एक भी नंबर मिस नहीं होगा अगर आप वीडियो सही से देख रहे हो। ठीक है गाइज, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर मस्ट एग्जाम, और नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा महाअभ्यास क्लास ऐसे चलता रहेगा, नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट चैप्टर पे लाऊंगा। अब परहैप्स अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर बच्चे बोल रहे हैं ज़्यादा ही डिफिकल्ट लग रहा है, आप भी बताइए कि कौन सा चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, उसके हिसाब से वीडियो बनाएंगे। तो गाइज बेस्ट ऑफ लक।